जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ भारत का निर्वाचन आयोग या निर्वाचन आयोग, जिसके बारे में आप ऊपर स्क्रीन में देख रहे होंगे कि इसके बारे में संविधान के भाग 15 में वर्णन किया गया है। और बात करें अगर अनुच्छेद की, तो आप देखेंगे अनुच्छेद के बारे में, तो ये जो है भाग 15 के अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक इसके बारे में वर्णन किया गया है। तो आइए आज हम जानते हैं कि हमारे संविधान के अंतर्गत जो भाग 15 में वर्णन किया गया है निर्वाचन आयोग के बारे में, उसमें कौन कौन से तथ्य हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण तत्व हैं और जो हमारे प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसका वर्णन जो किया गया है संविधान के भाग 15 में, संविधान के भाग 15 में इसका वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक इसके बारे में बताया गया है या संविधान में ऐसा उल्लेखित किया गया है। आइए देखते हैं कि हमारा जो निर्वाचन आयोग है उसका गठन कब हुआ था, उसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखते हैं कि इसका जो स्थापना हुआ था 1950 में, उसी दिन हम देखते हैं कि अगर डेट की बात करते हैं तो उसी दिन जिस दिन इसकी स्थापना हुआ था उसी दिन हमारे यहाँ मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो हम देखते हैं कि 25 जनवरी को पूरे भारत भर में हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अगला अगर हम आगे पॉइंट पे बात करते हैं तो देखते हैं कि निर्वाचन आयोग, जो निर्वाचन आयोग में कौन कौन लोग होते हैं, इसकी संरचना क्या है। बात करें संरचना का तो इसमें देखते हैं कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, इसके सहायता के लिए जो है अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो बात करें जो अन्य निर्वाचन आयुक्त और जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनमें देखेंगे तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो वर्तमान में राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार है। जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्तों में अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल है। तो इस तरह से हम अगर देखते हैं इलेक्शन कमीशन अर्थात निर्वाचन आयुक्त के बारे में, तो भाग 15 में और अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के तक इसके बारे में वर्णन किया गया है ना। और आगे अगर हम बात करते हैं तो इनका जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो कौन है, वो इस समय देखते हैं तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो राजीव कुमार हैं। ये आपके एग्जाम में कभी कभी पूछा गया है, कभी कभी अक्सर ये हम देखते हैं कि एग्जामों में पूछे जाते हैं कि वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त कौन है ना, और भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। तो इस समय जो निर्वाचन आयुक्त है वो राजीव कुमार है, जो एक IAS ऑफिसर है। इसके अलावा अन्य निर्वाचन आयुक्त है। बात करें जो हमारे निर्वाचन आयोग के आयुक्त होते हैं, इलेक्शन कमीशन के जो आयुक्त होते हैं, चेयरमैन जो होते हैं, उनके बात करते हैं कि उनका वेतन क्या होता है। तो उनके वेतन की बात करें तो जो उनका वेतन होता है, भारत के जो न्यायाधीश होते हैं उन न्यायाधीशों के समान हमारे भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन होता है, और इसके अलावा अन्य आयुक्तों का भी वेतन होता है। जो वेतन होता है उसे भारत के संचित निधि के द्वारा, किससे? कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया, भारत के निर्वाचन संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया से उनको दिया जाता है। पिछले वीडियो में ही हम बात कर चुके हैं कि कंसोलिडेटेड फंड या संचित निधि क्या होती है, उसके बारे में हम चर्चा कर लिए हैं। तो इन इनकी जो पेमेंट होती है, इनका जो वेतन होता है वो संचित निधि से दिया जाता है और भारत के न्यायाधीशों के बराबर इनको वेतन दिया जाता है।
आगे बात करते हैं इनकी नियुक्ति के बारे में। तो जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं या अन्य जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं या सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा, भारत के राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, उनके द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की और अन्य निर्वाचन आयुक्त की। थोड़ा सा हम आगे पीछे इसके बारे में बोल दिए हैं, तो पहले हमें बताना चाहिए था कि राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है, उसके बाद उनके वेतन के बारे में बताना चाहिए। तो वेतन फिलहाल हम देखते हैं कि उनके जो वेतन होते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीशों, भारत के न्यायाधीश जो होते हैं उनके न्यायाधीशों के समान उनको वेतन दिया जाता है। वेतन कहाँ से दिया जाता है, तो भारत की संचित निधि से। ये प्रश्न कई बार आपके परीक्षा में, आपके एग्जामों में पूछे गए हैं। आइए हम देखते हैं कि उनको पद से किस तरह से हटाया जाता है, है ना, या उनका कार्यकाल क्या होता है। अब पहले बात करते हैं हम कार्यकाल के बारे में। तो कार्यकाल जो उनका होता है वह जो है, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनका 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष, जो भी पहले हो वो उतना समय तक उनका कार्यकाल होता है। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनका कितना होता है, प्रश्न पूछा गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष, ठीक है, तो ये उनका होता है। जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल आप देखेंगे तो इनका जो है, यहाँ देखिए लिखे हम कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष, जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्त की बात करते हैं तो वो 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष, ठीक है, जो भी पहले होगा उस समय उनको हटा दिया जाता है। कार्यकाल इनका 6 वर्ष, ठीक है, अथवा 65 वर्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए, अन्य निर्वाचन आयुक्त के लिए 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष किया गया है। तो इस तरह से किया गया है। अब बात करते हैं कि इनको पद से किस तरह से हटाया जा सकता है। तो पद से हटाने के लिए हम बात करते हैं या इनके पद त्यागने की बात करते हैं, तो ये जो है संसद के द्वारा, जो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा इनको हटाया जा सकता है, ठीक है, संसद के द्वारा महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा इनको हटाया जा सकता है, या ये जो है अन्य निर्वाचन आयुक्त जो है अपना त्याग पद, अगर पद त्यागते हैं तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त अथवा राष्ट्रपति को देते हैं, मतलब राष्ट्रपति को ही देते हैं। आगे बात करते हैं तो हम देखते हैं इसके बारे में, अगर हम बात करें तो इसका कार्य क्या है, तो हम देखते हैं कि इनका कार्य, सबसे पहले तो देखते हैं कि ये जो है निर्वाचक नामावलियों को, वोटर लिस्ट वगैरह जो तैयार होता है, जो आप वोटिंग देने जाते हैं लोकसभा का, विधानसभा का, सदस्यों का चुनाव होता है, आपके यहाँ विधायकों का जैसे कह सकते हैं, सांसदों का चुनाव होता है, अन्य चुनाव जो होते हैं, उनकी क्या करनी होती है, नामावली तैयार करनी होती है। तो निर्वाचक नामावली को तैयार करना, इसके साथ साथ उस निर्वाचक क्षेत्र का परिसीमन करना, दलों को, जो हमारे राजनीतिक दल हैं उन राजनीतिक दलों को मान्यता देना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, उसके साथ साथ उनके चुनाव जो चिन्ह होते हैं, उनके जो चुनाव चिन्ह होते हैं उन चुनाव चिन्हों को आवंटित करना, ठीक है, इसके साथ साथ कुछ सदस्यों को, मतलब सॉरी कुछ सदस्यों को नहीं, सदस्य जो ऐसे होते हैं जिनको निर्वाचन में किसी का चुनाव के समय जैसे ऐसे कुछ बात होती है तो उसके लिए जो है उनको कह सकते हैं कि उनको पद की सदस्यता से उनको हटाना, इस तरह से हम देखते हैं कि होते हैं, बात करते हैं। उसके लिए भी एक प्रक्रिया है कि उसमें राष्ट्रपति भी सम्मिलित होता है, ठीक है, बात करें आगे हम, तो जो हमारा निर्वाचन आयोग है इसमें हम वोटिंग करने जाते हैं, तो वोटिंग करने के लिए एक एज क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है। एज जो है आप देखेंगे इसमें पहले तो 21 वर्ष था, लेकिन वर्तमान में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, किसके द्वारा, 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा, 61वें अमेंडमेंट
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989 के द्वारा जो 21 वर्ष का उम्र था, कितना था पहले 21 वर्ष था, उसे अब घटा करके कितना कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया है। तो वर्तमान में कितना है, 18 वर्ष है जो हम वोटिंग करने जाते हैं। इसके साथ साथ जो कोई चुनाव लड़ता है या वोटिंग करता है, ये सब कौन से जो है अधिकार हैं, तो बात करें तो वोट देने का अधिकार या निर्वाचित होने का अधिकार एक विधिक अधिकार है, जो हमें जो है संविधान के द्वारा एक दिया गया एक अधिकार है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सब प्रश्न जो है आपसे कई बार पूछे गए हैं, कई आपके एग्जामों में पूछे गए हैं, तो आप इस तरह से अपना नोट्स तैयार करें। जो हमने दिया है बोर्ड पे, जो हमने लिखा है, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, है ना, और इन सबको बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट आप कर सकते हैं, ठीक है। जो आपके कई सारे एग्जामों में पूछे गए हैं, कई बार आपके एग्जामों में पूछे गए हैं, तो इस तरह से ये रहा आज का हमारा निर्वाचन आयोग। आगे भी इसी तरह से हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, आप लोग हमारे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहिए, और अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।